Assalamualaikum, नमस्ते, सस्त्रियाकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी माइनॉरिटी वर्सेज मोदी, और एनालिसिस रिजवान सर का है। और बहुत इल्जाम लगता है मोदी साहब पे कि आप माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। अमेरिका को भी याद आ जाता है, बरतानिया को भी याद आ जाता है, सब देशों को याद आ जाता है कि भारत में जो है वो माइनॉरिटीज के हकूक जो हैं वो सलब किए जा रहे हैं। लेकिन अपने अपने मुल्कों में इनके क्या सूरत हाल है वो कोई नहीं जानता। लेकिन हम बात करेंगे अपने देश की कि वहां पे क्या हो रहा है। देखते हैं रिजवान सर का ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। 3 साल मोदी जी उत्तर प्रदेश तय करेगा 2027 में कि इसके बाद लोकसभा में कौन जीतेगा। आप अपने कोर वोटर को पहले चिन्हित करिए कि कौन सा ऐसा वोटर है जो मुझे 310 पहुंचा सकता है। तो साहब नई सरकार की बैटिंग शुरू हो गई है। सारे मुख्य पोर्टफोलियो जो अभी तक नजर आ रहा है या सुनने में लग रहा है वो भाजपा के पास हैं। और ये भी लग रहा है, जैसी हमारी आपकी बात हो चुकी है, कि अभी नीतीश टीडीपी ज़्यादा निगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आएंगे। और आई एम हैप्पी कि बिल्कुल वैसे ही हुआ है। कब आएंगे, कब लग रहा है, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, आज के वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। बड़ा कैजुअल सा लाइट सा वीडियो है, पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लाया हूँ आप लोगों के पास। अब क्या उस वीडियो की डिटेल में जाना, आप कैमरे से शक्ल से, उस टाइम मेरा वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा था, बाल ज़्यादा ब्लैक थे बियर्ड के और सर के। आपके भाई ने एक 30th of March 2019 को वीडियो बनाया था, यानी 2019 के चुनाव से पहले, चुनाव से पहले। उसमें आपके भाई ने कहा था कि मोदी जी 19 तो आप जीत रहे हैं। सुनिए वैसे क्या कहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है। नमस्कार आदाब। 2019 के चुनाव सर पर हैं और पूरे देश की निगाह नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। लेकिन अगर आपने 2024 से पहले तक ये वाले काम जो मैंने 15 बताए आपने करके नहीं दिए, इनको नजरअंदाज किया, तो जो जनसंघ की आइडियोलॉजी 70 साल के प्रयासों के बाद इस देश पे की सत्ता पर काबिज हुई है और काम करके दिखा रही है, 2024 में वो लड़खड़ा जाए। जी ऐसा वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मार्केट में कि 2019 के चुनाव से पहले, लगभग 2 महीना पहले कमेंटेटर मोदी जी को ये बता रहा है कि 19 तो आप जीतेंगे, लेकिन अगर आपने जो मैं आपको 15 काम बता रहा हूं अगर आपने ये नहीं करे तो 24 में आप लड़खड़ा जाएंगे। मैंने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया था कि हार जाएंगे। साथियों, जहां तक आंतरिक सुरक्षा का मामला है, बॉर्डर्स का मामला है, हैंडलिंग ऑफ पाकिस्तान का मामला है, चाइना को जवाब देने का मामला है, अमेरिका रशिया यूरोप के बीच में कूटनीति का मामला है, भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व का मामला है, तो साहब और बहुत तरीके से रेलवे में, आपके हाईवेज में, रोड्स में वगैरह वगैरह, टेक्नोलॉजी में, आर्मी में, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री में, आत्मनिर्भरता में, इसका मामला है। तो मेरा ये मानना है स्टिल मोदी जी स्कोर्स 99 और 100 out of 100 अपनी इन खूबियों की वजह से। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भी नहीं चला, राम मंदिर भी नहीं चला, अयोध्या में भाजपा हार गई, तो वो इस बात का भी सोचें कि अगर कुछ नहीं चला तो क्या बात थी नरेंद्र मोदी ने कि दूसरी बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बंदा तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा है और 241 पहुंच रहा है, जहां पूरा इंडी अलायंस मिल के 200 पर जाते जाते थक रहा है। इतना नरेटिव, इतना परसेप्शन गलत क्रिएट करने के बाद इसका मतलब क्या आप लोग समझते हैं कि कितनी फूलिश मिस्टेक्स हुई हैं कि उस कद का या उस फाउंडेशन का आदमी कि 10 साल बाद ज़रा सा उसको अपोजिशन यूनाइटेड होके
जरा सा मैं मानता हूँ हिला पाया। सोचिए उस नेता की, उस नेता की क्या फाउंडेशन होगी, और सोचिए उस नेता पे देश की जनता क्या, किस लेवल का विश्वास करती होगी। ये सोचिए, हर चीज़ को देखने के दो तीन तरीके होते हैं। क्या दम है मोदी में कि इसके बावजूद भी 241 पर बंदा बैठा हुआ है और अपनी टर्म्स पे लगभग सरकार बनवा रहा है। थोड़ा सा वो शिवसेना ने बोल दिया, इसने बोल दिया, उतना बोल दिया, एनसीपी ने तो लगा रहता है। तो साहब, जिस आपके भाई ने ये बताया था कि 2024 में कुछ लड़खड़ा सकते हैं, तो आइए 2029 के लिए। आज आपका भाई, तब बहुत कम हमारे फॉलोअर्स थे, देखा होगा आपने, उस जमाने में वेट भी मेरा 78 के करीब था, अब मैं 70 का रह गया हूँ। तो आपको इस बात पर कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो आओ 29 की बात करते हैं कि 29 में मोदी जी को क्या करना चाहिए। मैं 29 की बात नहीं करूँगा, मैं 29 तक इंतज़ार नहीं करूँगा। मुझे लोकसभा किसी भी तरह इस देश में 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ चाहिए, किसी भी तरह। मैं नहीं जानता कैसे, क्योंकि अब जो ये गठबंधन बना है इस टाइम ये नॉन निगोशिएटिंग पोजीशन में है। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये कहीं नहीं जाने वाले, और ये भी बताया था कि बाद में बताऊंगा ये कब जाएंगे। अब पूरे देश की और गठबंधन की निगाहें होंगी स्टेट इलेक्शंस पे, कहो हरियाणा पर होगी, कहो झारखंड पर होगी, कहो दिल्ली पर होगी। दिल्ली और हरियाणा से इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर भाजपा वहाँ पर हार भी जाती है, और अगर दिल्ली में एक अच्छी फाइट दे देती है विधानसभा में। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में दिल्ली मोदी जी के साथ जाती है, विधानसभा में आहा जेलखोर के साथ जाती है। तो अगर बीजेपी, और बड़ा स्वीप करता है उसमें आपका केजरीवाल, तो अगर दिल्ली में ये कुछ विधायक गेन भी कर जाते हैं और हरियाणा में अच्छी फाइट भी देते हैं, तब भी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में भी बड़ी स्ट्रांग है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन फर्क पड़ना शुरू होगा झारखंड से, और सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश से। ये गठबंधन टूटना या ये गठबंधन का निगोशिएटिंग पावर या ब्लैकमेलिंग 2027 के चुनाव के बाद आज देखने को मिल सकती है और मिलेगी अगर उत्तर प्रदेश भाजपा हार जाती है। और अगर 2027 में भाजपा उत्तर प्रदेश हार जाती है, तो आज आपका भाई ये बोल रहा है जिसने 30 मार्च 2019 को बोला था, बड़ी रेयर बात है भाई साहब एज अ कमेंटेटर, यूनिक बात, कि 2024 में ये लड़खड़ा जाएंगे। तो आज मैं बोल दूं, अगर 2027 में ये यूपी हारते हैं तो ये 2029 किसी भी कीमत पर नहीं जीतेंगे। सरकार विपक्ष की बनेगी, वो जितना चले, जितने दिन चले। तो 27 मेरे हिसाब से मोदी जी को एक बीच में एक जर्नी ब्रेक कर कर 29 का लोकसभा का वेट, स्पेशली अगर उन्हें लगता है 27 हार सकते हैं, तो कतई नहीं करना चाहिए, और बहुत ही बैकफुट पर आकर 29 भाजपा हारेगी। याद रखिए, हमारे देश में बढ़ती उम्र के साथ सम्मान बढ़ता है, लेकिन एक कट ऑफ आता है 75 और 78 के आसपास एज के, स्पेशली 75 एक कट ऑफ है, और 75 के बाद वो कट ऑफ में उस बढ़ती उम्र के साथ जो समाज और राजनीति में सम्मान बढ़ता है सबके साथ, वो फिर गिरना शुरू होता है। और आपकी पार्टी को भी आप लगने लगता है, अरे यार तुम अगर हमसे खुश नहीं होगे, हमारा क्या उखाड़ लोगे, तुम्हारी कितने दिन की राजनीति आज बची है। तो 27 आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, 27 को 2027 को इस देश में जैसे तैसे कर लोकसभा पुनः होना चाहिए यूपी की विधानसभा के साथ, जिसके चलते यूपी की विधानसभा भी निकले, और 2027 में पुनः सिंपल मेजॉरिटी या मेजॉरिटी के साथ भाजपा एक बार फिर से 5 साल की इनिंग खेलने के लिए आए। 3 दिन वो खेल नहीं खेला गया, उस टाइप का खेल जो मैं चाह रहा था, सिर्फ 3 दिन का। मैं किसी को शपथ दिलवाने में इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे तो पता था कि 272 लोग विपक्ष राष्ट्रपति के सामने परेड नहीं करवा सकता किसी भी कीमत पर। परेड शपथ ले ले, 14 दिन का टाइम ले ले, एक अलग बात है, परेड इनसे करवानी चाहिए थी, और इसकी फिर होती थूथू मैं सब कहते लल्ला थक गया,
लल्ला डर गया, तूने झूठ बोला था, और फिर लल्ला के पोस्टर पड़ते और इसके पुतले पर, इसकी फोटो के ऊपर जूते के हार जब महिलाएं बनाती तो इस देश की 72 घंटे में पूरी राजनीति बदल जाती। चलो ऐसा नहीं हुआ तो आज रिजवान की सुन लो, 2027 में किसी भी तरह लोकसभा करा देना, क्योंकि अगर 2027 तक आपने मेहनत नहीं करी, आपने रोजगार में मेहनत नहीं करी, आपने कुछ और नहीं करना है। 3 साल मोदी जी उत्तर प्रदेश तय करेगा 2027 में कि इसके बाद लोकसभा में कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। उत्तर प्रदेश में जो ये सब बातें हो रही हैं, इसको टिकट नहीं मिला, उसको टिकट नहीं मिला, योगी जी, ये सब बेकार की बात है। उत्तर प्रदेश का युवा नाराज था, पेपर लीक को लेके उत्तर प्रदेश का युवा नाराज था, अग्निवीर को लेके उत्तर प्रदेश का युवा नाराज था, बात खत्म, फुल स्टॉप। और जहां तक अंबानी और अडानी का मैटर है, मोदी जी आपको जो भी इनके परफॉर्मेंस पर, जो भी ये बढ़ रहे हैं, कौन बढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, कोई एक आदमी को फर्क नहीं पड़ता, एक आम वोटर को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पर ये पब्लिक से जुड़कर नजर आता है कि इनको बढ़ाया जा रहा है, दो तरह से आदमी बढ़ता है, एक बढ़ रहा है रिलायंस पेट्रोलियम, किसी को फिक्र ही नहीं है कहाँ रिलायंस पेट्रोलियम, कहाँ उसकी इंडस्ट्री, कहाँ उसकी रिफाइनरी, क्या मतलब। लेकिन जब हम जिंदगी में सामने इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ह्यूमन नेचर एक अफेक्ट आता है, एक अवसर आता है। जब हम एक एयरपोर्ट पर घुसते हैं और हम देखते हैं अडानी एयरपोर्ट, अरे अडानी ने ले लिए ना एयरपोर्ट यार, डॉक्टर ने कहा है तुम वहाँ पर बड़ा बड़ा लिखो अडानी एयरपोर्ट। कुछ तो आप भी यार परसेप्शन के खेल के इतने बड़े सूरमा हो, आप इन बेसिक बेसिक चीज़ों में गलतियाँ कैसे कर जाते हो। अरे क्यों लिखना वहाँ पर अडानी एयरपोर्ट यार, लिखा है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लिखा रहने दो, वो तो है ही उसका नाम। अच्छा, आदमी कहता है इसने भी अडानी ने एयरपोर्ट ले लिया। तो जब ऐसा धरातल पर एक आदमी को लगता है तो उसे लगता है यार ये अडानी अंबानी का पूरा भारत खरीद रहे हैं, क्योंकि उसको ये परसेप्शन आता है ये सरकार का एयरपोर्ट बिक गया। ऐसा है नहीं, सरकार ने लीज पर दिया है, पर लगता है कि बिक गया। बड़ी एक अजीब सी चीज ला के जोड़ूंगा, लोग कहेंगे क्या जोड़ रहे हो, क्या बात कर रहे हो। ये जो अंबानी साहब के बेटे की शादी में जो ये नाच नहीं बंद हो पा रहा ना, ये प्री वेडिंग ही प्री वेडिंग होती जा रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि वेडिंग से पहले लड़की माँ ना बन जाए, कसम खुदा की यार। ये जो हरकतें हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी आप इनके लपेटे में आते हैं। यूं तो आप कह दीजिए उनकी वेल्थ है, जो चाहे वो करें, लेकिन जब आपने अपने साथ उनका नाम जोड़ा है, द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो थोड़ा सा उनसे कहिए संयम करें। अभी कल इटली में गालियां पड़ी हैं उनको, ऐसे ऐसे उस क्रूज शिप में जो प्री वेडिंग ही प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुए जा रहे हैं, खरबों रुपया लग रहा है। पूरे इटली के एक शहर ने उनकी शिकायतें करी हैं कि 6 किलोमीटर दूर शिप डॉक किया गया था, वहाँ पूरी रात ऐसा म्यूज़िक बजाए कि वहाँ का कोस्ट गार्ड जाकर म्यूज़िक सुबह 4:30 बजे बंद करा के आया है। अय्याशियाँ हो रही हैं, वीडियो रील बाहर आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए गरीबों को वड़ा पाव खिला दिया, उसके बाद लुटाए जा रहे हो। यार साफ नज़र आ रहा है हराम का है, साफ नज़र आ रहा है कि यार ये कमाई का पैसा, ये ईमान की कमाई का पैसा नहीं है। और अगर नहीं आ रहा तो परसेप्शन बन रहा है कि नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसका असर एक एवरेज वोटर पे जाता नहीं है? जब एक गरीब आदमी बैठ के ये रील देखता है अंबानी की शादियों की, लोग नाच रहे हैं, सब क्या बोलें, दौलत का नंगा नाच हो रहा है, इन चीज़ों से असर पड़ता है वोटिंग पर। और नहीं पड़ता तो दूसरे पड़वा देते हैं, अम्बानी अडानी मोदी के दो दोस्त, हमारे अगर दोस्त हैं तो दोस्ती रखो, पर हमें भी अपने समाज में, हम क्या चीज़ हैं, कुछ नहीं है ना, हमें भी कुछ प्रोफाइल्स पब्लिक में मेंटेन करके रखना पड़ता है कि यार हम ऐसा काम ना करें कि लोग की नज़र पड़े और जो हमें जानता हो वो कहे देखो यार रिजवान भाई यहाँ बैठ के क्या ही हुआ, हाओ ही कर रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठ के, अबे तेरी तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। तो ये जो नग्न नाच चल रहा है ना दौलत का, और ये दोनों नाम आपके साथ जुड़े हुए हैं मोदी जी, तो जो ये कमा रहे हैं कमाएं, इनको पोट दीजिए, जो दीजिए, सब चले, मेहनत करें, अच्छी कंपनी होगी तभी मिलेगा, कमाएं। लेकिन कहिए जहाँ भी ये पब्लिक से कनेक्टेड हैं, जहाँ इनकी लाइफ पब्लिक के बीच में आ रही है, असर पड़ता है। एक नेता के पास 2000 करोड़ होता है, पर उसका बेटा अगर 6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी में घूमता है ना,
तो वही नेता बदनाम होता है जो चोर है कि देखो बेटा 6 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। तो थोड़ा सा इस परसेप्शन पर भी आने वाले वक्त में ध्यान दीजिए, क्योंकि मोदी जी अगर आप 27 उत्तर प्रदेश हार गए, 3 साल का टाइम है, तो ये ना सोचिएगा कि 29 तक रिकवर कर लेंगे। 27 हारने के बाद यही गठबंधन, यही नायडू, यही फलाना, यही ये, यही चिराग, यही पवार, यही शिंदे, सर आपके गठबंधन का जीना हराम कर देंगे और बार्गेनिंग 27 हारने के बाद इनकी शुरू होगी। आप संभालते संभालते सोचेंगे संभाल लिया और उसी झटके में 29 हाथ से निकल जाएगा। 27 में उत्तर प्रदेश में चांस ना लीजिए, 3 साल जबरदस्त बढ़िया बेटिंग करिए, गवर्नमेंट जॉब्स निकालिए, थोड़ी बहुत महंगाई कंट्रोल करिए, मानता हूं मैं आपने कर रखी है, बाहर आंतरिक सुरक्षा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके आपको कुछ नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे दीजिए, वो ही लाजवाब है। और एस्पिरेंट्स पेपर लीक ना हो, जॉब्स निकलें, जबरदस्ती का तुष्टिकरण ना करिए, 330 सीटें टारगेट करिए, चिन्हित करिए कि आपको कौन 330 तक पहुंचाएगा, आपको युवा पहुंचाएगा, आपको व्यापारी पहुंचाएगा, आपको किसान पहुंचाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट पहुंचाएगा, यही आपका नेचुरल वोट बैंक भी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, नेचुरल वोट बैंक को हिट करिए, 320 को हिट करिए, 220 223 जाने दीजिए, 27 में लोकसभा करा दीजिए साथ में, और एक साथ देश और राज्य 3 साल की बैटिंग के साथ निकाल लीजिए। 27 हारने के बाद इस गठबंधन का तमाशा शुरू होगा और उस तमाशे को आप ब्लॉक करते 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 पीछे जाते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे, उम्र का तकाजा आपको घेरता रहेगा और 29 में आप निपट जाएंगे। सो मेरे हिसाब से आपके पास 3 साल हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा और राष्ट्र का लोकसभा कराने का। कैसे कराना है, क्या कराना है, क्या आपके गठबंधन में आप इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होती है कि एनडीए टूटे भी ना, दूसरा सरकार बना भी ना पाए और 27 में लोकसभा हो जाए, 29 तक का वेट ना करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। अजी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था माइनॉरिटी वर्सेस मोदी, जो कि एक इल्ज़ाम लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पे, और उसमें क्या हकीकत है, उसमें क्या सच्चाई है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसका विश्लेषण किया रिजवान साहब ने। और देखिए, कश्मीर से एक टेररिस्ट तंजीम को सपोर्ट करने वाला बंदा जो जेल में है अभी भी टेरर फंडिंग के चलते हुए, वो जीत जाता है और किसको हरवाता है, उमर अब्दुल्ला साहब को, जो कि वहाँ पर एक बड़ा लीडर माना जाता है और मुसलसल उसकी पार्टी जो जीतती आ रही है और हुकूमत भी उन्हीं की ही बनती आ रही है, और वहां पे बीजेपी ने अपने नुमाइंदों को नहीं खड़ा करवाया, और उसके पीछे जो रीजन बताया रिजवान सर ने बिल्कुल वैलिड है, करना भी यही चाहिए था, नहीं तो जैसे वो राम मंदिर वाला सीन हो गया, इसी तरह से ये 370 वाला भी हो जाता तो बहुत ही खराब तरह का मैसेज जाता। अब देखिए, जैसे ही अब कश्मीर में इलेक्शंस हुए, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले, उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, वोटर पहली दफा इतना टर्नआउट कश्मीर में देखने आया, लेकिन शायद ये बात हजम नहीं हो पा रही है, और वहां पे टेरर अटैक हो रहे हैं और पै दर पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक नई तंजीम ने ही सर उठा लिया है जिसने इसको कबूल किया है, और पता नहीं ये कहाँ पे है भी है या नहीं भी है, लेकिन हम इसके बारे में अभी कोई इतनी मालूमात नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि माइनॉरिटी को जो मोदी के साथ जोड़ा जाता है, उसके बारे में जो कि मणिपुर ले लें, मणिपुर में मोदी साहब क्यों नहीं गए, मणिपुर क्यों जल रहा है अभी तक, उस पर क्यों नहीं मोदी साहब ने एक्शन लिया। दूसरा, खालिस्तानी लीडर एक जीत जाता है, जो मुद्दा सिर्फ टोटल खालिस्तानी है जिसका, वो जीत गया, वहां पे एक इंदिरा गांधी को मारने वाले का बेटा एक जो जीत जाता है, जिसका भी कट्टरवाद पे ही सारा नैरेटिव था, वो भी जीत गया। तो लोगों ने कई जगहों पर इस तरह के भी, क्योंकि बहुत बड़ा है देश, भारत एक छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, अगर वहां से एक एक सीट ऐसी निकल आती है तो उसको इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं समझना चाहिए। देखिए, पंजाब है, पंजाब में देखिए कि कितनी सीटें कौन जीता है, और पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़, इस तरह की जितने भी जगहों पर आप देखिए कि कौन जीता है वहां पे, क्या वहां पे सारे के सारे खालिस्तानी जीत गए हैं, तो फिर हाँ
बड़ा मैसेज दिया है जी। कश्मीर में अगर देखें तो कश्मीर की जो सारी की सारी सीटों पर अगर ऐसे ही लोग जीत जाते तो फिर एक मैसेज होता कि हाँ वाकई यार कश्मीरियों ने भी अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया है। अगर तो यूपी में भी सारे के सारे ही दूसरे विपक्ष के लोग जीत जाते और खुला मैसेज भी देते कि हम राम मंदिर बनने के खिलाफ हैं, हमें जितनी सुविधाएं दी गई हम उसके खिलाफ हैं, माफिया को नकेल डाली गई हम उसके भी खिलाफ हैं, तो हमने मैसेज दी गया माफिया को नकेल डाली गई उसके संबंध में कई सारे लोग हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं और वो समझते हैं कि वो ज्यादती हुई है उन लोगों के साथ, इसलिए उन्होंने क्योंकि हमने उनके जनाजों पर देखा जैसे लाखों की तादाद में लोग खड़े हुए, हालांकि उनको ये भी पता है कि ये लोग दूसरों का हक खाने वाले हैं, अपने ही मुसलमान भाइयों के जमीनों पर कब्जे करने वाले हैं, फिर भी लोग उनके सपोर्ट में बाहर आ जाते हैं, ये चीजें भी समझ से बाहर जा रहे हैं। लेकिन इस सब में जो बात है मोदी फिर भी खराब है माइनॉरिटी के, मोदी फिर भी माइनॉरिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, मोदी के फिर भी मुल्क में जो देश में जो माइनॉरिटीज हैं वो महफूज नहीं है। यहाँ भी अगर कोई बात करता है वो देखिए कहते हैं जब कहते हैं कि वहां पे हमारे 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहते हैं तो कहते देखिए ना फिर वो किस हाल में रहते हैं, ये भी तो देखिए ना हम महंगाई से मर रहे हैं, हमें आटा नहीं मिलता, हमें नेटवर्क नहीं मिलता, हमें ये भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मोदी के देश में जो है वो मुसलमान महफूज नहीं है। तो ये इल्जाम लगता आया है, ये लगता रहेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है खुलेआम इसकी इस इल्जाम को साफ करने में भी कमजोर दिखाई देती, खुलेआम मैं भी कहूंगा कि खुलेआम इस चीज को वो अपने ऊपर से साफ करती हुई दिखाई नहीं देती कई जगहों पर। बिल्कुल ऐसी है, देखें कि एक चीज है कि एक बंदा ऐसा है मुखलिस आया है लीडर कि जिसने पूरे मुल्क में किसी भी मजहब के भेदभाव के बगैर जो है सबके लिए जो है सबके विकास किया है, सबके लिए आसानियां पैदा की, अपने मुल्क को आगे लेके चला है, लेकिन फिर भी ऐसे जो है विरोधी वो खालिस्तानी और ऐसे वो टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने वाले लोग जो है वो इतनी मिनोरिटी से जो इतनी ज्यादा तादाद में वोटिंग से वो जीते हैं। तो ये चीज भी देखने वाली है कि भाई ऐसे अभी लोग मौजूद हैं कि जिनके ब्रेन को वाश किया जा सकता है, जिनको जो है उकसाया जा सकता है, जिनको शर्मसंदी की तरफ लाया जा सकता है, तो ये उनको ये भी नजर आ रहा है कि हमारे मुल्क में पहले क्या क्या हालात रहे हैं और अब हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, तो फिर भी वो मोदी जी के खिलाफ वोट दें तो फिर उनको सोचने की बात है कि उनके लिए उनको गौर करने की जरूरत है कि अगर एक बंदा आपके मुल्क को आपके पूरे मुल्क को जितना बड़ा उनका मुल्क है जितनी आबादी है उनकी सबको साथ में लेके चल रहा है, सबका विकास कर रहा है, सबको जो है जरूरियात पहुंच रही है, सबके आशाएं पहुंच रही है, जो जो योजना है जहां जहां भी है उनको वहां वहां मिल रही है, तो फिर भी वो मोदी जी के खिलाफ वोट देते हैं, तो इस चीज पे गौर करने की जरूरत है कि वो लोग अभी इस कह लो कि नहीं आए स्टेज पे कि वो ये चीज सोच सके कि मोदी जी जो है वो उनका भला सोच रहे हैं या जिनको वो वोट कर रहे हैं वो उनका भला सोच रहे हैं, इस चीज पे गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल जी, बहुत सारी चीजों पे गौर करने की जरूरत है, हम अगर एक साइड पे देखें और दूसरी साइड को ना देखें तो उस पर भी गौर करने की जरूरत है। अब देखिए कि एक बंदा गलत हो सकता है, हजार बंदा गलत हो सकता है, लाख बंदा गलत हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि ये 3-3 लाख वोटों से ये लोग जीते हैं तो उनको अवाम ने ही वोट दिया है। अब और बंदे जेल में है और वो बंदे भी जेल में है, अब या देखिए दो तो जेल में है, तीसरे का वो जो इंदिरा गांधी वाला जो है बाहर है या जेल में उसका कन्फर्म नहीं है, लेकिन चीजें यही है। अब देखिए कि अवाम ने उनको वोट दिया है किस बिना पर दिया है, क्या वजह है, क्या उनके साथ ज्यादती हुई है, क्या वजह है कि वो वाकई इतने ताकतवर हैं कि वहां पे जो है ना वो जेल में बैठकर भी वो जीत रहे हैं, क्या वजह है, इन चीजों के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। क्योंकि ये मुल्क है, ये यहाँ पे भी मुल्क का ही मसला है, यहाँ पे भी अवाम ही है, अवाम ने सिलेक्ट किया है, तो इसको उस नजरिए से भी देखना चाहिए कि मिनोरिटी की अलग चीज है कि मिनोरिटीज हैं सारी, ये वहां पे मुस्लिम है, वहां पे सिख है, उनके ऊपर ये बातें हुई हैं, तो क्या वजह है कि वो इन जो चीजों को चलाते हैं, उन चीजों को आगे लेकर इन मुद्दों के ऊपर सियासत करते हैं और फिर जेलों में बैठकर भी वो जो है ना वो जीत जाते हैं, क्या वजह है, इन चीजों पर भी सदभाव करने की जरूरत है और यहाँ पे जो चीजें हैं कमी है उसको दूर करना चाहिए। अगर तो ये देखिए टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट उन्होंने देखिए इसके बारे में ये जो सिख
है उसके बारे में तो वो कहा गया, वहां से उसे गिरफ्तार करके यहाँ पे कनाडा से यहाँ पे लाया गया, वो जेल में है, उसके ऊपर धाराएं भी हैं और फिर उसके बावजूद वो इलेक्शन भी लड़ता है और फिर जीत भी जाता है। तो इस चीज पर भी गौर करने की जरूरत है कि ये किस चिंता में जा रहा है, तो आने वाले वक्त में इसका क्या नुकसान हो सकता है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और जो उसको सिलेक्ट करने वाले हैं उन्होंने किस बिना पे उसको सिलेक्ट किया है, उनको भी गौर करना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे खिते के लिए कौन सी चीज बेहतर है और कौन सी चीज नहीं बेहतर है, उसको भी देखना चाहिए। कि सिर्फ यही नहीं है कि ये मुसलमान है और मुसलमानों के लिए आवाज उठाता था, इसको जेल में डाल दिया था, हमदर्दी के लिए हमें उसको जो है ना वोट दे दें, वो सिख है, सिखों के लिए बात कर रहा है तो उसको ले हमें उसको हमदर्दी के लिए वोट दे दें। तो इन चीजों से भी हमें निकलना चाहिए। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसको भी गौर करना चाहिए कि कहां पे कहीं कोई ज्यादती तो नहीं हुई जिसकी वजह से आवाम ने इतनी ज्यादा क्षमता में उनको वोट दिए हैं। क्या वजह है कि वो जेलों में बैठकर भी जो है ना वो जीत गए हैं। और ये जो माइनॉरिटी वाला जो दाग है ये अब बीजेपी को धोना पड़ेगा, इनसे भी अब निकलना पड़ेगा, खुलकर आगे आना चाहिए कि भाई हम ये सब कुछ कर रहे हैं फिर भी ये दाग हमारे ऊपर, हमारे जो ऊपर क्यों लग रहा है, हमारे दामन को साफ है, अपने दामन को साफ करके दिखाना चाहिए कि आगे आगे आने वाले वक्त में आने वाले जो इलेक्शन है, चुनाव है, या जो राज्यसभा के होने हैं चुनाव, छोटे चुनाव हैं या बड़े चुनाव हैं, उनमें नुकसान ना हो सके, इस चीज से भी आपको आगे निकलना चाहिए, आगे देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, जहां पे कमियां हैं उनको दूर करनी चाहिए। और हैरानगी की बात है कि ऐसे लोग भी अगर वोट जीत रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं जेलों में बैठकर, तो पाकिस्तान तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। कहां यहां तो सारे के सारे ही इसी माइंडसेट के लोग होते हैं, यहाँ पे वोट पता नहीं किस बुनियाद पर डाला जाता है, ये भी समझ से बाहर है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।